नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। कलर सर्विस का बाद जब रिटायर होते हैं आप, तो आपको नॉर्मली सर्विस पेंशन मिलता है, पर जो डिसेबल सोल्जर है, जो सोल्जर्स विथ लो मेडिकल कैटेगरी LMC पर्सनल है और कलर सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको बहुतों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है और बहुतों को नहीं भी मिलता है। पर आज इस वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में कलर सर्विस का बाद कोई LMC अगर रिटायर होता है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कोई हवलदार है, 24 ईयर्स कलर सर्विस किया, फिर 26 ईयर्स का जो एक्सटेंडेड सर्विस पूरे करने के बाद रिटायर हो रहे हैं और मान लीजिए वो P2 परमानेंट कैटेगरी में रिटायर हो रहे हैं, तो उनको जो सर्विस पेंशन मिलना था वो तो उनको मिलेगा ही। वो आप जानते हैं जितना आपका लास्ट बेसिक पे है उसका 50% आपका सर्विस पेंशन होगा। अब आज का जो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। मान लीजिए उनका 30% का डिसेबिलिटी है, तो 30% डिसेबिलिटी है इसका मतलब ब्रॉडबैंडिंग होके 50% होगा। अब वो 50% का क्या उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए दो कंडीशन होता है कलर सर्विस केस में। वो दो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो या तो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए या फिर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं ये क्या टर्म है, ये खटमट अंग्रेजी क्या है? देखिए, ये कुछ नहीं है, आपके पास आपका EFMSA 15, ये एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है। जब आपका पहली बार, अब जब LMC हुए थे, आपका डिसेबिलिटी पहली बार जब मिलिट्री हॉस्पिटल का द्वारा असेस किया गया था, मेडिकल बोर्ड आपको डिसेबल घोषित किया था, वो जो डॉक्यूमेंट है, जो इनिशियल, उस डॉक्यूमेंट में नीचे में दो कलम होता है, एक में लिखा रहता है इज द डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, वहाँ पे देखिए वाई या तो एन लिखा होगा, यस या तो नो लिखा होगा। दूसरे कलम में लिखा है इज दिस डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस, वहाँ पे भी या तो यस लिखा होगा या तो नो लिखा होगा। इन दोनों में से किसी एक में अगर यस है आपका तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है, ये कंडीशन नंबर वन है। बहुत लोगों का ऐसे देखा गया कि दोनों में से एक में भी ऐसे कुछ नहीं लिखा है, या तो खाली छोड़ा गया या फिर NANA लिखा गया। वो कब होता है, किस केस में NANA लिखा जाता है? देखिए, मान लीजिए आपको कोई इंजुरी हुआ है और इंजुरी के वजह से आपका कैटेगरी हो गया, लो मेडिकल कैटेगरी हो गया, उस केस में क्या होगा, आपका मेडिकल बोर्ड तय नहीं कर सकता है कि आपका इंजुरी, आपका जो कैटेगरी लो मेडिकल कैटेगरी है, ये एट्रिब्यूटेबल है या नहीं है, एग्रीवेटेड है या नहीं है। तो इस केस में तय करेगा कौन? आपका कमांडिंग अफसर। कमांडिंग अफसर क्या करता है, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पब्लिश करता है इंजरी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कमांडिंग ऑफिसर उसमें बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एक रिमार्क्स देता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है, जो इंजुरी है, ये ड्यू टू मिलिट्री सर्विस हुआ है, ये एट्रिब्यूटेबल है या नहीं है और एग्रीवेटेड है या नहीं है। तो जो भी इसका जो रिमार्क्स होता है उसको लेके आप नेक्स्ट टाइम जब रिव्यू के लिए जाते हैं तो ये इंजरी रिपोर्ट का एक कॉपी साथ में आपको ले जाना होता है, और जो नेक्स्ट सेकेंड टाइम का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें ऑथेंटिकेट किया रहेगा आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये पता चला कि फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि आपका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज RMB जो डिसाइड करता है, RMB लास्ट यानी कि आप जब रिलीज हो रहे हैं फौज से उस समय का जो परसेंटेज होगा वो अगर 20% या उससे ज़्यादा होगा तभी आपको मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करते हैं और आप कलर सर्विस पर रिटायर होते हैं तो आपको सर्विस पेंशन का साथ साथ एक डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। पर आपको दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? मान लीजिए आप
हवलदार से रिटायर कर रहे हैं और आपका बेसिक पे है 60,000, आपका MSP, आपका क्लास पे और आपका पे मैट्रिक्स में पे लेवल 5 में या पे लेवल 6 में जो भी आपका पेमेंट आ रहा है, ये तीनों मिला करके आपका 60,000 आ रहा है। अब डिसेबिलिटी पेंशन कितना होगा, देखिए डिसेबिलिटी पेंशन का रूल यह है, आपका टोटल जो बेसिक पे जितना आया उसका 30% होता है 100% डिसेबिलिटी पेंशन। पर आपका केस में आपका मान लीजिए 30% दिया हुआ है RMB ने, तो आपका 50% हो जाता है ब्रॉडबैंडिंग होके, तो 50% का केस में क्या होगा, आपका डिसेबिलिटी पेंशन भी आधा हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल जो बेसिक पे निकला, जैसे कि आपका केस में 60,000, तो इसी 60,000 का 30% यानी कि 18,000 होगा 100% डिसेबिलिटी। अगर आपका डिसेबिलिटी 100% होता तो आपको 18,000 प्लस DA यानी कि DR ये आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना था। पर आपका केस में क्या है, आपका जो डिसेबिलिटी है वो है आफ्टर ब्रॉडबैंडिंग 50%, तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन कितना होना चाहिए, आपका आधा होना चाहिए, तो आपका कितना होगा, आपका केस में 9,000 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अगर हम देखें तो आपका केस में आपका जो लास्ट बेसिक पे था उसका 15% होगा आपका डिसेबिलिटी पेंशन, इसका ऊपर DR भी मिलेगा, जैसे सर्विस पेंशन का ऊपर DR मिलता है। DR उसे कहा जाता है जो डीआरनेस रिलीफ, जो कि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको DA मिलता है और रिटायरमेंट के बाद आपको DA नहीं मिलता है, आपको मिलता है डीआरनेस रिलीफ। तो उम्मीद है कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर क्वेरी होगा उस पर फिर एक वीडियो बनाएंगे, कोई ऐसी पेंशन का रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको मिल जाएगा आपका सवालों का जवाब। आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।